देखिए, ये मैं समझता हूँ कि पहली बात तो इस समय इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और दूसरी बात जो बयानबाजी उन्होंने करी है वो बिल्कुल तथ्यों से परे है। आज पूरा प्रदेश इस चीज़ को देख रहा है कि लोक निर्माण विभाग ने रिकॉर्ड 5 दिन के अंदर जो है ब्रिज को अलग अलग जगहों पे जहाँ पे क्षतिग्रस्त इलाकों में बनाकर तैयार किया है। ये अपने आप में एक मिसाल है। इसके साथ मुख्यमंत्री जी ने हर प्रभावित परिवार को 50,000 रुपये देने की घोषणा करी है, जो मौके पर हमारे प्रभावित परिवारों को मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा और भी जो रेस्टोरेशन के काम हैं वो भी पूरी मजबूती से चले हुए हैं। कहाँ तो उनको केंद्र से हिमाचल को सहयोग लाना चाहिए था, और उल्टा वो प्रदेश सरकार के ऊपर जो तथ्यहीन बयानबाजी कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरीके की बातें करना शोभा नहीं देता है।